हेलो एवरीवन, मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। रणबीर कपूर के यंग बॉयज गैंग में किस खान ने ली एंट्री। रानी मुखर्जी ने अपने सबसे अच्छे दोस्त आमिर खान को क्यों नहीं बुलाया अपनी डिनर पार्टी में। बताएंगे विराट कोहली जब पहुंचे अनुष्का शर्मा की फिल्म के सेट पर तो क्या हुआ खास। फराह खान के रियलिटी शो के मेकर्स क्यों हैं उनसे नाराज। और साथ ही दिखाएंगे प्रियंका चोपड़ा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। रणबीर कपूर के बॉयज गैंग में अब तक आयान मुखर्जी, आदित्य रॉय कपूर, वरुण धवन और करण जौहर जैसे स्टार शामिल थे, लेकिन अब जूम को खबर मिली है कि बॉलीवुड का एक खान भी रणबीर के इस गैंग में शामिल हो गया है। कौन है वो खान, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। आमिर खान के अपार्टमेंट के गेट पर रणबीर कपूर को एंट्री नहीं मिली। रणबीर ने बैक डोर का रास्ता अपनाया। फाइनली आमिर के घर हुई रणबीर की एंट्री का अपडेट भी जूम एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचा चुका है। बस आपको ये बताना बाकी था कि आमिर के घर क्यों गए रणबीर कपूर। आमिर, रणबीर, आयान मुखर्जी और अनुराग बासु के बीच क्या पका और आखिर क्या था इस सीक्रेट मीटिंग का सबसे बड़ा राज। बस पूरी बात बता करके रणबीर कपूर और आमिर खान की मुलाकात का सारा सच लेकर जूम दोबारा आपके सामने आ गया है, क्योंकि जूम को सोर्सेस से पता चला है कि सिर्फ मई 5 को ही नहीं बल्कि पिछले 3 दिनों से आमिर खान और रणबीर कपूर की रोज मुलाकात हो रही है। आमिर किरण राव को छोड़कर रोज रणबीर कपूर के यंग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ग्रुप में वक्त बिता रहे हैं। पिछले 3 दिनों से हर रात हो रहा है रणबीर और उनके कुछ खास दोस्तों और आमिर खान का नाइट आउट। बाकी यंग बॉलीवुड स्टार्स की नींद उड़ाने के लिए बस इतना ही अपडेट काफी है। फिर इमरान खान पर इस खबर का क्या असर होगा इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। अपने मामू का रणबीर से शुरू हुआ ये नया दोस्ताना इमरान को पता है या नहीं ये तो फिलहाल क्लियर नहीं है, पर इतना जरूर है कि रणबीर और आमिर के बीच शुरू हुई इस न्यू बॉन्डिंग की बात सुनकर वो भी हिल जाएंगे। हालांकि आमिर पहले भी अपने भांजे इमरान के मुकाबले रणबीर को लंबी रेस का खिलाड़ी बताते आए हैं, पर वो रणबीर के साथ मिलकर ऐसा भी कोई खेल खेलेंगे ये अंदाजा इमरान को शायद ही रहा हो। और फ्लॉप्स का दर्द झेल रहे इमरान ही क्यों, रणबीर आमिर की बढ़ती बॉन्डिंग की खबर से तो रामलीला से बड़े स्टार बन चुके रणबीर सिंह भी सकते में आ सकते हैं। आखिर इंडस्ट्री के टॉप 3 खान्स में आमिर का रुतबा सबसे अलग है, सो आमिर की सोहबत का असर भी काफी अलग ही होगा। ऐसे में अपने यंग ब्रिगेड में रणबीर ने अगर वाकई आमिर जैसा काबिल और सीनियर मेंबर जोड़ लिया है तो आमिर की अकल से उनकी ताकत 2 गुना हो जाएगी। यानी रणबीर कपूर के इन्हीं दोस्तों की लिस्ट में अब आमिर के जुड़ने की खबर कोई मामूली बात नहीं है। आमिर का पिछले कुछ दिनों से रणबीर की यंग ब्रिगेड के साथ नाइट आउट करना भी गैर मामूली सा लगता है। ऐसे में अगर ऑल इज वेल रहा तो हो सकता है कि आमिर का साथ रणबीर के लिए जल्द ही कोई बिल्कुल तरोताजा नई सुबह लेकर सामने आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने रिसेंटली अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए थ्रो की एक डिनर पार्टी, लेकिन इस पार्टी में रानी ने अपने सबसे अच्छे दोस्त आमिर खान को नहीं किया इनवाइट। क्या है इसकी वजह, लेट्स फाइंड आउट। रानी और आदित्य की इस प्राइवेट रिसेप्शन पार्टी में बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज तो नजर आए, लेकिन रानी की गेस्ट लिस्ट से गायब रहे उनके तीनों खान फ्रेंड्स, खास करके रानी के बड़ी माने जाने वाले आमिर खान। जी हाँ, सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भले ही रानी ने इटली में हुई अपनी शादी में आमिर खान को नहीं बुलाया, लेकिन वो आमिर खान को अपने घर रखी गई रिसेप्शन पार्टी में जरूर बुलाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये पार्टी तो हुई, यहाँ कुछ सेलिब्रिटीज भी नजर आए, पर रानी के अच्छे दोस्त आमिर इस बार भी यहाँ नजर नहीं आए। और अब जूम को सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली है कि आखिर आमिर खान को इस पार्टी में इन्वाइट क्यों नहीं किया गया। तो दरअसल बात ये है कि आदित्य की रिक्वेस्ट पर रानी ने ये फैसला किया था कि वो इस इवेंट से मीडिया को दूर रखेंगे। ऐसे
में रानी ने अपनी गेस्ट लिस्ट बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा था कि किसी भी खान का नाम इस लिस्ट में शामिल ना हो, क्योंकि रानी को ये डर था कि खान्स का नाम शामिल होने से मीडिया को इस इवेंट की न्यूज मिल जाएगी। यही वजह है कि रानी ने अपने अच्छे दोस्त आमिर तक को इस पार्टी में नहीं बुलाया। वैसे रानी और आदित्य की इतनी प्लानिंग के बावजूद भी इस पार्टी की न्यूज मीडिया को लग गई, तभी तो इस पार्टी के ये पिक्चर्स उसी रात मीडिया में आ गए थे। वेल रानी, अगर आपको इतनी ज्यादा सीक्रेसी चाहिए तो शादी के साथ साथ रिसेप्शन भी आपको इटली में ही रखना चाहिए था, क्योंकि मुंबई में अगर कोई स्टार पार्टी हो और पापराजी को खबर ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। पॉल कुणाल मांडलेकर, जूम मुंबई। एक टेलीविजन रियलिटी शो के मेकर्स ने फराह खान को अपने शो को जज करने का ऑफर दिया था और फराह ने इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया था। पर अब जूम को खबर मिली है कि इस रियलिटी शो के मेकर्स फराह से परेशान हो गए हैं। क्या है इसकी वजह, चलिए पता करते हैं। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की तैयारियों में आजकल फराह खान इतनी ज्यादा बिजी हो गई हैं कि फराह के पास अपने किसी दूसरे असाइनमेंट के लिए वक्त ही नहीं है, या ये कह सकते हैं कि फराह को अपनी फिल्म के आगे कुछ और इम्पोर्टेंट नजर ही नहीं आ रहा है। और फराह के इसी एटीट्यूड से एक टेलीविजन रियलिटी शो के मेकर्स काफी परेशान हो गए हैं। दरअसल फराह ने एक रियलिटी शो के मेकर्स से कमिटमेंट की थी कि न सिर्फ वो इस शो को जज करेंगी बल्कि इस शो को प्रमोट करने में भी वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब जबकि फराह हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग में बिजी हैं, उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं है कि वो अपने इस रियलिटी शो को प्रमोट करे। वैसे फराह की मुश्किल भी समझी जा सकती है, क्योंकि एक मल्टी सरल फिल्म शूट करना कोई आम बात नहीं होती। हर स्टार के टाइम और स्केड्यूल का ख्याल करके शूटिंग करनी पड़ती है। ऐसे में हो सकता है कि फराह को फिलहाल टाइम नहीं मिल पा रहा है। साथ ही फराह की ये बिग बजट फिल्म दिवाली पर रिलीज होने वाली है, ऐसे में वो जल्द से जल्द शूटिंग खत्म करके अपनी फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के काम को शुरू करना चाहती है। वेल, जो भी हो, लेकिन फराह के इस बिजी स्केड्यूल ने उनके टेलीविजन रियलिटी शो के मेकर्स की नींद जरूर उड़ा दी है। चेतना सिंह, जूम मुंबई। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की क्रिकेट टीम 2020 क्रिकेट लीग में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। यही वजह है कि शिल्पा एसआरके की टीम के खराब परफॉर्मेंस का मजाक बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। टेक अ लुक। शिल्पा शेट्टी ने दी शाहरुख खान को सीधी टक्कर। शिल्पा ने बनाया शाहरुख के कोलकाता नाइट राइडर्स का मजाक। सुनिए किस तरह से शिल्पा ने पास किए सार्कास्टिक रिमार्क्स शाहरुख की टीम के लिए। वी बीट हिज टीम लास्ट यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, सो टू टाइम्स इन अ रो। तो जहाँ तक राजस्थान रॉयल्स का सवाल है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि हम लोग सेमीफाइनल्स तक पहुँचेंगे। तो ये मैं ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रही हूँ, कॉन्फिडेंस है और बहुत ही प्राइड के साथ बोलती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी टीम है। वी प्ले लाइक अ टीम एंड हाँ, वी आर स्टार मेकर्स, वी डोंट यूज जस्ट क्रिकेटर्स हु आर ग्रेट स्टार्स। So that's the USP of the Rajasthan Royals. अपनी टीम को स्टार मेकर्स का टाइटल दिया शिल्पा ने, और वहीं शाहरुख की टीम पर एक सार्कास्टिक रिमार्क भी पास किया। ये सब हुआ रिसेंटली एक इवेंट पर, जहां शिल्पा शेट्टी को एक बायो ऑयल कंपनी की तरफ से यमी मम्मी का टैग मिला। अपने फिट एंड वेल बैलेंस लाइफस्टाइल की वजह से शिल्पा को इस अवार्ड से नवाजा गया। शिल्पा ने ये अवार्ड अपनी मम्मी को डेडिकेट किया, जिन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। काफी सारी प्रेग्नेंट लेडीज और न्यू मम्मीज को अपने इंस्पिरेशनल वर्ड्स के साथ शिल्पा ने एनकरेज भी किया। नो वन एल्स कैन प्ले द role of a mother or a father. So I think we all have to know what we have to do with our kids, and I think we do it very well. उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को भी स्टेज पर इंट्रोड्यूस करवाया, जिन्होंने उनका ख्याल रखा था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। शिल्पा ने इन मम्मियों के साथ काफी इंटरेक्ट किया और क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए। So wonderful, I can't tell you. During my entire pregnancy, how she took care of me and you know, I was so worried because, I mean, you know, I wasn't worried about the weight. I didn't care. I just wanted a baby. I didn't think of the after effects. But apart from educating mothers and talking about the importance of Mother's Day, the catch remained the snide remark at SRK. Recently, Shahrukh ne Twitter par kaafi gussa dikhaya tha jab KKR haar gayi thi. Ab Shilpa ke ye words sunne ke baad, Shahrukh aur bhi zyada gussa hone wale hain. Ab dekhna ye hai ki aakhir Shilpa ka kehna kitna sach hota hai. फॉर रुद्रानी चटोराज, जूम मुंबई। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम पिछले एक महीने से चार से ज्यादा एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा जा चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन कर रहा है सिद्धार्थ के लिंकअप के न्यूज मीडिया में लीक। आइए देखते हैं। बॉलीवुड में एक्टर्स भले ही अपनी लिंकअप के न्यूज पर मीडिया को खरी खोटी सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन हम आपको बता दें कि स्टार्स की ज्यादातर लिंकअप की खबरें खुद उनकी पीआर मशीनरी मीडिया में लीक करती है,
और इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल बन गए हैं एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ का नाम पिछले कुछ दिनों में श्रद्धा कपूर, इजाबेल लेड, आलिया भट्ट और अदिति राव हैदरी जैसी एक्ट्रेसेस से जुड़ चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि एक साथ चार एक्ट्रेसेस से नाम जुड़ना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। यही वजह है कि जब हमने इन लिंकअप के मामलों पर गौर किया तो हमें पता चला कि ये सारी न्यूज प्लांटेड हो सकती है। जी हाँ, सोर्सेस का कहना है कि आजकल सिद्धार्थ की पीआर मशीनरी इस कोशिश में लगी हुई है कि उन्हें बॉलीवुड के हॉटेस्ट एक्टर के तौर पर पेश किया जाए, और ऐसा तभी हो सकता है जब बॉलीवुड में सिद्धार्थ का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़े और हो न हो। यही वजह है कि हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर्स में सिद्धार्थ का नाम किसी नई एक्ट्रेस के साथ जोड़ा जा रहा है। वह सिद्धार्थ की पीआर मशीनरी कोशिश तो अच्छी कर रही है, लेकिन उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कभी कभी कैसानोवा इमेज स्टार के करियर पर असर भी डाल सकती है। और हमारा तो यही मानना है कि स्टार्स को पब्लिसिटी और फेम उनकी फिल्म्स की वजह से मिलनी चाहिए, न कि फेक पब्लिसिटी स्टंट से। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। एक्टर अर्जुन रामपाल को रिसेंटली हमने स्पॉट किया मिस्टर इंडिया 2014 इवेंट को जज करते हुए, और यहाँ अर्जुन ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। Arjun Rampal is arguably the hottest man in India and in the fashion fraternity. From being the supermodel in his days to being the most desired actor today, Arjun has earned his fan following. Recently, Arjun Rampal nazar aaye Mr. India contest ko judge karne ke liye. Mr. India ke contest ke liye judge bane Arjun ne ek contestant se ek aisa sawal pucha jo humne bhi unse pucha. Kya tha wo sawal? Aaiye aapko bhi dikhate hain. You asked the question, would you pose nude if you get money? So I would ask you that question. Would you pose nude for a... In fact, I've been offered. I've been offered internationally. In fact, with Bruce Weber, because he's one of the most brilliant photographers. But I'm not comfortable with that. Even if it means loads of money. No, I wouldn't. You know, and that's why I said that. And there is a lot of temptation there. But I really like Puneet's answer in that. He said, "Listen, if I felt like doing it, I would do it. And it's not about for the money. I would do it if I felt like doing it. And that's great. A guy's got that attitude, and that's great." Well, ये जवाब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन इसका रीजन अर्जुन रामपाल ने क्या दिया, आइए ये भी जानते हैं। For me, I just don't feel, you know, I would ever be comfortable with my mother picking up a magazine and seeing me like that. अर्जुन, आपने अपना व्यू पॉइंट तो दे दिया, लेकिन आपको ये बता दे कि ऐसी आपकी बहुत सारी फीमेल फैंस होंगी जो आपको इस अवतार में जरूर देखना चाहेंगे। You certainly have disappointed your female fans here. For Elika Shrivastava, Zoom, Mumbai. एक्टर टाइगर श्रॉफ फिल्म हीरोपंती में अपने डैड की फिल्म के एक सॉन्ग पर डांस करते हुए नजर आएंगे, और जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए टाइगर ने बताया कैसे इस सॉन्ग पर डांस करने से पहले वो काफी नर्वस हो गए थे। टेक अ लुक। टाइगर श्रॉफ बहुत जल्द अपना ग्रैंड बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं फिल्म हीरोपंती से, और इसी के साथ साथ वो ये भी जानते हैं कि उनका ऑब्वियस कंपैरिजन उनके फादर जैकी श्रॉफ के साथ होने वाला है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि टाइगर सेट पे एक सॉन्ग सीक्वेंस के दौरान इतने नर्वस हो गए थे कि उनसे एक पर्टिकुलर सीन एक्ट तक नहीं किया गया। आखिर क्यों? आप उन्हीं से सुन लीजिए। The song has retained, talking about the song is that bit, the flute bit of Hero has been retained in the song. It's an iconic tune. So you know, and it has come out very well in this song. So you know, any nostalgia from your father's side, jab unhone ye suna tha pehli baar? Mujhe yaad hai that when we were shooting the song Whistle Baja, which has a flute in it. Mujhe yaad hai when I was giving that first shot, sitting on that chair and playing that flute. I couldn't give my shot. My hands were shivering like this. हाथ कांप रहे थे ऐसे। Well, Tiger, ये तो जाहिर सी बात है कि आप इतने iconic music पर आज 30 साल बाद अगर नाच रहे हैं तो pressure तो होगा ही। So much legacy, so much value, so much weight behind it, and it's my father's movie signature, and it's his identity. So I was like, will I do justice to my father? You know, I started thinking about so many things that I cracked. I went into the van, then I came back out focused. Then Master Ji was there, Ganesh Acharya Master. He was very, you know, helpful and very encouraging. And once the music started, I got back into the zone and I started dancing. And when I'm dancing, I just, you know, I forget everything. हमने टाइगर से पूछा कि उन पर कितना प्रेशर रहेगा, as his comparison will be with his father. To this he said, every individual is different. So the way I would react to something would be different from the way you would react to something. So I think it's, you can't compare that way. Every love story doesn't have to be the same. Like I said, everybody is unique in their own way. Well, as of now, Tiger is going great with his humble nature and focused plans. We also hope that he gets a great opening with his film. For Elika Shrivastava, Zoom, Mumbai.
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण किसके साथ छुट्टियों पर जाने की कर रही है तैयारी, और साथ ही बताएंगे शिल्पा शेट्टी को आया है किस इंटरनेशनल डांस रियलिटी शो को जज करने का ऑफर। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। दीपिका पादुकोण जाने वाली हैं एक लॉन्ग वेकेशन पर। द एक्ट्रेस विल ट्रैवल एक्सटेंसिवली अक्रॉस यूरोप, अमेरिका एंड सम अदर कंट्रीज एज वेल। ये सब दीपिका हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग के बाद करने वाली हैं। शी सेज दैट इट्स अ वेल डिजर्व्ड ब्रेक बिफोर हर एज पोस्ट वेकेशंस शी विल स्टार्ट फिल्मिंग विद रणबीर एंड रणवीर। यो यो हनी सिंह बहुत जल्दी बॉलीवुड में बतौर एक्टर डेब्यू करने वाले हैं अपनी फिल्म दी एक्सपोज के साथ। हाल ही में हनी सिंह ने कहा था दैट श्रद्धा कपूर इज हिज फेवरेट फ्रॉम द करंट लॉट ऑफ फीमेल एक्टर्स, और ये तक कह दिया दैट ही वांट्स टू मेक एन अर्बन फिल्म विद श्रद्धा। अब इससे इत्तेफाक कहें या फिर टाइमिंग, करीना कपूर खान रिसेंटली लैंडेड इन हर ग्रेट ग्रैंडफादर पृथ्वीराज कपूर्स हाउस। बता दें सिंघम रिटर्न्स की शूटिंग के लिए करीना एक ऐसी जगह पहुंची जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर का एंसेस्ट्रल होम था, एंड द ब्यूटीफुल डैमसल एंजॉयड बीइंग एट दिस प्लेस। खबरों की माने तो एक्टर शिल्पा शेट्टी को यूके बेस्ड डांस रियलिटी शो गॉट टू डांस को जज करने के लिए अप्रोच किया गया है। सोर्सेज रिवील दैट इन फरवरी शी हैड गॉन टू लंदन फॉर अ हॉलिडे एंड दैट्स व्हेन द ऑर्गेनाइजर्स मेट हर एंड द टीम वाज कीन टू गेट हर ऑन बोर्ड। शिल्पा ने फिलहाल हाँ तो नहीं बोला है। डायरेक्टर सुजीत सरकार एक्टर अमित साध के लिए ढाल बने। बता दें कि फिल्म गुड्डू रंगीला की शूटिंग के दौरान अमित इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से उनके हाथ आया एक कमर्शियल स्लिप हो गया। बट सिंस सुजीत वाज डायरेक्टिंग दिस कमर्शियल, ही इंश्योर्ड दैट द एंडोर्समेंट डिड नॉट स्लिप थ्रू द एक्टर्स फिंगर्स। एक बार फिर से अमिताभ बच्चन नजर आएंगे एक डिफरेंट लुक में फॉर आर बाल्की'स नेक्स्ट फिल्म। द लेजेंडरी एक्टर रोट ऑन हिज सोशल वेबसाइट दैट ही इज अगेन एक्साइटेड टू बी वर्किंग विद डोमिनी टिल, हु वाज आल्सो देयर एट द टाइम ऑफ पा, हु डिड मिस्टर बच्चन'स प्रोस्थेटिक मेकअप फॉर द फिल्म। Things are getting worse in the Rhea Pillai Leander Paes case. After being accused of being dangerous to her daughter Ayana by former partner Leander Paes, former model and art of living guru Rhea Pillai launched a complaint against the tennis player, alleging that he is trying to displace her from the home. Isse pehle, tennis player ne bhi ek FIR file ki thi, which said that she has been threatening him to abduct their child and take her to the UK. Vicky Donor's actress Yami Gautam is all set to romance the present heartthrob of Bollywood Varun Dhawan. Film thriller based angle par hogi aur Main Tera Hero ke actor is film mein ek grey character play karne wale hain, and the film will be directed by Shriram Raghavan. The other stars in the cast include Huma Qureshi, Nawazuddin Siddiqui and Vinay Pathak. For the first time, Yami and Varun will share screen space and they will reportedly play lovebirds. Actor comedian Govinda ne kaha that it makes him feel good when he realizes that he's the favorite of the commoner. Govinda, one of the most popular comic heroes of Bollywood, said that he has never cared much about the critics and he's the hero of the masses. Yo Yo Honey Singh is a controversy's child. We guess it's because of his popularity. This time, Punjabi rapper is caught in a fresh fight with rapper Raftaar Singh over tracks in the upcoming film Fugly. Raftaar Singh has claimed to writing and composing three tracks, the title track, Banjare and Dhoopchik. अजय देवगन और रोहित शेट्टी की हिट जोड़ी का क्या कहना? The last installment of Singham proved everyone about their teamwork and tuning, and now they're geared up for the film's second installment. And the rumors are doing the rounds that the second installment of superstar Ajay Devgan starrer Singham is now officially titled as Singham Returns. राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने अपने 13 साल के फिल्मी करियर में सिर्फ 4 फिल्मों को ही डायरेक्ट किया है। He believes that good movies deserve the slow cooking treatment, but says his new project Mirza Sahiban will be his fastest ever. Mirza Sahiban is Mehra's ambitious film, via which he is set to launch two newcomers, Anil Kapoor's son Harshvardhan and Sayami Kher, the niece of talented actress Tanvi Azmi and granddaughter of yesteryear leading lady Usha Kiran. सलमान के फैंस और इंडस्ट्री के लोग एक बार फिर सदमे में हैं आफ्टर द रीओपनिंग ऑफ द इनफेमस इंसिडेंट, बट सलमान रिमेन्स एज कूल एज अ क्यूकम्बर। बिफोर लैंडिंग अप इन द थिक ऑफ थिंग्स, रिसेंटली द स्टार इज रिपोर्टेड टू हैव कंप्लीटेड अ हेक्टिक 40-day स्केड्यूल फॉर साजिद नडियाडवाला'स डायरेक्टोरियल वेंचर किक, शोइंग नो साइंस ऑफ स्टॉपिंग अपॉन रिटर्न। सलमान इमीडिएटली रिज्यूम्ड वर्क फॉर सूरज बरजातिया'स प्रेम रतन धन बायो फ्रॉम जून 22। बॉलीवुड सिंगर अंकित तिवारी, बेस्ट नोन फॉर सिंगिंग आशिकी 2 सुन रहा है, वाज अरेस्टेड बाय द वर्सोवा पुलिस ऑन थर्सडे मॉर्निंग फॉर अलेजिबली रेपिंग अ स्टारलेट आफ्टर फॉल्सली प्रॉमिसिंग हर मैरिज। अंकित के भाई को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। पुलिस की माने तो अंकित ने इस लड़की को पहले शादी का वादा किया और उसके बाद रेप कर दिया।
Newcomer Kirti Sanon ka ye manna hai, and she feels that even though the film industry has opened up to newer talent, opportunities for the male actors are still less as compared to their female counterparts. Kirti ne ye bhi kaha ki outsiders ke liye ye acha waqt hai, jahan unko qualitative kaam mil raha hai. Actress Sunny Leone hopes that the audience will like her upcoming sex comedy Masti Zade, which she says will be her biggest film till date. Masti Zade is a mad and naughty comedy with lots of laughter and masti. Bata de, Sunny Leone ki last film Ragini MMS2 kafi hype ke baad bhi box office par flop ho gayi thi. एक्टर वरुण धवन की डिमांड अचानक एड वर्ल्ड में काफी बढ़ गई है। तभी तो वरुण एक के बाद एक कई ब्रांड्स को साइन कर रहे हैं। आप भी देखिए अब वरुण किस ब्रांड को प्रमोट करते हुए नजर आएंगे। वरुण धवन अपने फैंस के लिए लेकर आए हैं सोल्यूशन। ये सोल्यूशन कुछ और नहीं बल्कि है स्किन रिलेटेड। और क्या है ये सोल्यूशन, आइए खुद वरुण से ही जानते हैं। बैटरी जब डाउन हो जाती है ये आपकी फेस की बैटरी को रिचार्ज कर देता है। तो बेसिकली हम लोग जो कह रहे हैं कि अगर पूरा दिन आपने बिताया भाग रहे दौड़ रहे मीटिंग्स में हो या स्ट्रेस्ड घर पे चिक-चिक हो रहे बाहर चिक-चिक हो रहे यू रीच होम यू टायर्ड एंड यू स्टिल हैव टू डील विद सो मच मोर ऑल यू नीड टू डू इज वॉश योर फेस। अगर एक बेसिन इधर होता तो मैं आपका मुंह धो लेता। Recently, Varun Dhawan has been chosen as the brand ambassador of a skincare brand. And Varun launched this brand in a very different and unique style. Skin problems se har koi guzarta hai. Aur Zoom se khas baatcheet mein, Varun ne apni skin related problems bhi share ki. Main ek normal insaan hu yaar, main girta hu to mujhe bhi dard hota hai. Aisa nahi, mere ko pata nahi kyun log sochte hai ki matlab, you know, aap ek actor ho to matlab aap को कुछ नहीं होता है और कुछ आई मीन बहुत का स्किन अलग होता है किसी को पिंपल्स आते हैं किसी को नहीं आते नहीं मेरे को होते थे 100% होते थे यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट एंड यू कैन कॉम्बैट इट देन। वरुण ने अपनी आने वाली फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया के बारे में भी बताया एंड सेड दैट ही इज वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म। हम लोग गाना शूट कर रहे हैं आलिया और मैं एंड इट्स अ सॉन्ग इट्स अ सॉन्ग दैट आई एम काइंड ऑफ वेरी क्लोज टू एज वेल सो Well, we hope Varun ki is brand se kaafi logon ko fayda ho. Aur jis tarah se aap success ki seedhi par hain, is par barkarar rahe. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. कल न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें आई थी कि एक्टर विद्युत जामवाल और मोना सिंह का ब्रेकअप हो चुका है। ऐसे में इस न्यूज की सच्चाई जानने के लिए जब हमने मोना सिंह से बात करने की कोशिश की तो कुछ ऐसा था उनका रिएक्शन। टेक अ लुक। विद्युत जामवाल और उनकी गर्लफ्रेंड मोना सिंह के रिश्ते में चल रही प्रॉब्लम्स की खबरें पिछले कुछ समय से आ रही थी, लेकिन कल न्यूज़पेपर्स में ऐसी खबरें आई कि मोना सिंह और विद्युत जामवाल का ब्रेकअप हो चुका है और अब ये दोनों स्टार्स एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। ऐसे में इस न्यूज को कंफर्म करने के लिए जब एक इवेंट पर हमने मोना से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ इस तरह से रिएक्ट किया। जो हम खबरें सुनते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? Well, मोना के इस रिएक्शन से साफ है कि विद्युत और उनके बीच अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यही वजह है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहते। जो हम खबरें सुनते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? फॉर रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। एक्टर श्रेयस तलपड़े अपनी मराठी फिल्म के प्रमोशन में जोर शोर से लगे हुए हैं और रिसेंटली श्रेयस और उनकी वाइफ ने अपनी इस फिल्म के बारे में Zoom के साथ की एक्सक्लूसिव बात। Shreyas Talpade is all set to deliver his second Marathi film Poster Boys, जिसके लिए उन्होंने एक promotional song भी shoot किया है। बता दे कि ये film Shreyas और उनकी wife produce कर रहे हैं और इसके promotional shoot पर हम पहुंच गए, जहां Shreyas से उनके इस promotional song के बारे में as well as उनके look के बारे में हमने पूछा। ये basically हम हमारी जो forthcoming film है Poster Boys, it's a Marathi film और उसका एक promotional video हम लोग shoot कर रहे हैं। So yeah, everybody is here for that और ये जो look है ये हमारी टिपिकल महाराष्ट्रियन टोपी है और जो जो गाना जिस तरीके से बिगिन होता है सो वो उस लहजे में बात कर रहा है बंदा। सो बिकॉज आई एम इंट्रोड्यूसिंग द सॉन्ग सो आई एम इन दिस टिपिकल टोपी लुक इनिशियली एंड देन आई चेंज इनटू दिस कूल डूड लुक। श्रेयस तलपदे हमें यहाँ पोस्टर बॉयज़ की कहानी भी बताते हैं। पोस्टर बॉयज़ बेसिकली कहानी है तीन बंदों की ऑफ थ्री डिफरेंट एज ग्रुप्स जो थोड़ी सी एक सिचुएशन की वजह से थोड़ा मुसीबत में आ जाते हैं। आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल टू रिवील कि वो क्या सिचुएशन है बट हम लोग सब टाइटल्स के साथ करेंगे रिलीज सो डोंट वरी। सो वो एक सिचुएशन में बेचारे फंस जाते हैं किसी चीज़ के वजह से और
उससे वो कैसे फाइट करते हैं, हाउ दे कम टुगेदर, दे फाइट इट आउट, एंड वेदर दे बिकम विक्टोरियस इन द एंड और नॉट इज द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म. वेल, जैसा आपने कहानी बताई, ये तो बॉलीवुड की फिल्मों से मिलती जुलती लग रही है, बट वी विश कि आपके पोस्टर बॉयज मराठी सिनेमा में छा जाए. फॉर रोशनी दुबे, जूम मुंबई. वेल, प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपने न्यू सॉन्ग आई कांट मेक यू लव मी को लेकर काफी एक्साइटेड है, और रिसेंटली प्रियंका ने अपने इसी सॉन्ग के बारे में जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात. इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले मैं प्रियंका चोपड़ा से ये पूछना चाहती हूँ कि वो जितनी एनर्जेटिक हैं, ये एनर्जी आती कहाँ से? मुंबई से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से हॉलीवुड, और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या करती रहती हैं, कहाँ से लाती हैं प्रियंका? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू. थैंक यू सो मच सलमा. एनर्जी जब कोई चॉइस नहीं होती आपकी तो करना ही पड़ता है. आई थिंक जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे दो करियर चाहिए, एक म्यूज़िक में, एक यू नो मूवीज़ में, और वो म्यूज़िक वाला करियर यू नो सात समुंदर पार हो गया. सो इट वॉज नॉट रियली प्लान. मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि इतना हेक्टिक हो जाएगा मेरे लिए, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू यू नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द फिल्म दैट आई एम डूइंग. आई लव माई जॉब. मैं यू नो बाई गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छी फिल्में कर रही हूँ, एंड एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू मेक म्यूजिक ऑल्सो. तो फिर करना पड़ता है यार, क्या करूँ, जहाँ पे भी सो सकते हो सो जाओ. एंड प्रियंका, आज आपने लाइव परफॉर्म किया, एंड आई सेड वाओ लवली. मतलब मुझे ऐसा लगा कि यस, कोई तो है जो इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक्ट्रेस जाए और कहे यस वी कैन ऑल्सो, इंडियन कैन डू दैट, लवली. थैंक यू. आई वॉज वेरी नर्वस क्योंकि मुझे पता है सब लोग, बहुत लोग ऐसा कह रहे थे कि अच्छा यू नो प्रियंका की आवाज़ इतनी अलग लगती है, ऑटो ट्यून है, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे. तो मैंने बहुत काम किया है इस पर, बहुत मेहनत की है. मैं दिखाती नहीं हूँ कभी, बट इट्स स्टार्टेड हर्टिंग मी अलॉट, एंड सो आई जस्ट सेड कि आप लोगों के लिए एक बार बेस्ट है ना कि मेरे कंट्री में, मेरे देश में, मेरे सिटी में, मेरे लोगों के सामने गा दिया, क्या होगा, चलो. मतलब कोई इतनी मेहनत नहीं देखता है, मतलब समबडी लाइक इतनी आसानी से जब कोई ऐसे कह देता है तो वी फील बैड कि यार ये क्या है, मतलब इतना हार्डवर्क जा रहा है. हाँ, अफेक्ट करता है, मुझे बहुत अफेक्ट करता है. हर्ट, हाँ, मेरा दिल दुखता है. मुझे यू नो मैं कभी नहीं दिखाती हूँ कि आई गेट हर्ट अबाउट एनीथिंग क्योंकि आई एम शाय, लेकिन ऑफ कोर्स अफेक्ट करता है बिकॉज आई वर्क वेरी हार्ड ऑन एवरीथिंग आई डू. मेरी माई वर्क इज़ माई वर्शिप. मैं बहुत अपने काम में भगवान देखती हूँ, यू नो. तो वहाँ कभी मैं चीटिंग नहीं करूँगी. आई डोंट लाइक इट. एंड मैं एक परफॉर्मर समझती हूँ अपने आप को. मैं एक एक्टर नहीं हूँ, मैं एक सिंगर नहीं हूँ, एक एंटरटेनर हूँ, और ज़िंदगी भर यही कोशिश करूँगी लोग एंटरटेन होते रहें. लवली, प्रियंका वीडियो जो है बहुत इंटरनेशनल लग रहा है. ओके, यस, लवली. एंड टेल अस कि एज अ क्रिएटिव माइंड आपकी क्या इनपुट्स थे वीडियो को लेकर? वेल, काफ़ी थॉट तो मतलब मेरा ही था. म्यूज़िक में ऐसा ही होता है यूजुअली कि यू नो आपके आइडियाज़ होते हैं. जैसे एग्जॉटिक मेरे लिए यू नो फन पार्टी गाना था, बीच पे जाओ, डांस करो, इट वॉज़ अ सिंपल यू नो वीडियो. बट इस वीडियो में ये इतना डीप गाना है दैट आई वॉन्टेड इट टू हैव डेप्थ. इसलिए मैंने एक एक्टर को कास्ट किया, माइलो वेंटिमेलिया, हु आई डिडंट वांट अ मॉडल, यू नो कि जैसे मॉडल लड़के होते हैं ना कभी वीडियोस में आते हैं. सो आई डिडंट वांट दैट. आई वांटेड एन एक्टर हु नोज हाउ टू एक्ट, एंड माइलो वाज अमेजिंग बिकॉज आई वांटेड द रिलेशनशिप. कि दो लोगों के बीच में कभी कभी दो अच्छे लोगों के भी रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं, उसका ये मतलब नहीं होता कि कोई बुरा है या कोई अच्छा. और कभी कभी जब रिलेशनशिप्स टूटते हैं उसका ये मतलब नहीं कि दुनिया ख़त्म हो गई. लड़कियां होती हैं, हम बहुत सेंसिटिव होते हैं, हम सोचते हैं ऐसा कि यू नो. और मैंने बहुत सारी लड़कियों को ऐसा देखा है जो मेरे यू नो जो पीपल, गर्ल्स हु राइट इन टू मी, मेरे फाउंडेशन में, जिन्होंने अपने आप को हार्म किया है यू नो रिलेशनशिप्स की वजह से. बहुत बार हम देखेंगे, सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया भर में. और वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से कि यू नो आप अपने आप को इतना बुलंद बनाओ कि यू नो वो क्या शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है. ओके, एंड एज अ गर्ल कभी आपको भी, जैसे ये पूरा जो एल्बम है इट्स ऑल अबाउट द हार्ट ब्रेकिंग, तो कभी ऐसे आपके भी लाइफ में ऐसा कोई लम्हा आया, कोई तन्हाई आई, अगर ऐसा आया हो तो किस तरह से आपने उसे फेस किया? ऑफकोर्स हर सबकी ज़िंदगी में ऐसे टाइम्स आते हैं जब यू नो आप तन्हाई होती है, अंधेरा होता है, और दुख होता है, दर्द होता है. एंड जो भी कहेगा कि नहीं हुआ उनकी ज़िंदगी में, झूठ बोल रहा है. तो मैं ये नहीं बताना चाहूँगी क्या कैसे, बिकॉज मैं काफ़ी प्राइवेट समझती हूँ अपने आप को. लेकिन सबकी ज़िंदगी में होता है. और जब मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने बिस्तर में घुस जाती हूँ,
मैं बहुत खाना खाती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ, स्ट्रेस में खाना ज़्यादा खाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मैं बहुत खाना खाती हूँ और मैं सोती रहती हूँ और मैं किसी से बात नहीं करती एंड आई गेट मैं एक शेल में चली जाती हूँ। थैंक यू सो मच, आई होप जूम के सारे फ्रेंड्स के लिए ये बहुत ही एक अच्छा ट्रीट होगा। थैंक यू सो मच जूम से बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट योर फिल्म्स, योर वीडियो, इंटरनेशनल एवरीथिंग। थैंक यू सलमा। कैमरामैन परिश के साथ सलमा खान, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रीकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रीकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। Tiger Shroff had to stop his shoot during the filming of the song Whistle Baja. Tiger was all set with the steps, but as soon as he heard the iconic flute tune that belongs to his dad's film Hero, he just froze and could not do a step. He went to his vanity van and then calmed down, and then he gave his shot. ये उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि अपने डैड की तरह वो भी वैसा ही मैजिक क्रिएट कर सके। Zoom से कैंडिड चैट में अर्जुन रामपाल ने कहा that he was offered to pose nude for an international magazine, but he declined. भले ही उन्हें ऐसा करने के लिए मिलियन डॉलर्स भी क्यों ना मिले, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। He said that he wouldn't be fine with the idea of his mom opening the magazine and finding his nude snap. वरुण धवन रिसेंटली नजर आए एक इवेंट पर जहां वो स्किन से जुड़ी बातों पर अपने व्यू पॉइंट्स दे रहे थे। वरुण अपनी स्किन को ठीक रखने के लिए क्या क्या करते हैं, उन्होंने ये सब बातें की। बता दें, वरुण वॉज हियर टू एंडोर्स अ फेस वॉश ब्रांड फॉर व्हिच ही हैज बीन चोजन एज द ब्रांड एम्बेसडर। अपने लेटेस्ट सिंगल को सेलिब्रेट कर रही प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में जूम से खास बातचीत में अपने इस नए सॉन्ग से जुड़ी बातें की। ब्रिटनी स्पियर्स के साथ अपनी मीटिंग की भी चर्चा की एंड आल्सो टोल्ड अस अबाउट हर इंटरैक्टिव सेशन विद केविन स्पेसी। बी टाउन में विद्युत जम्वाल और मोना सिंह के चर्चे तो जोरों शोरों पर थे और फिर उनके रिश्ते में आई खटास के चर्चे जोरों शोरों पर थे। Recently talking to Zoom, Mona Singh avoided speaking about her breakup with Vidyut Jambal. When asked about Vidyut, she dodged the question completely. Amir, who is a very good buddy of Rani, was kept out of the private dinner. When the guest list was made, Rani purposely did not put any Khans including Amir in the list, even though everybody was in town. Her reason was that if the Khans make it to the dinner, the media will get a whiff of it and the occasion will not remain a secret affair. However, Rani could not succeed in her mission from keeping it away from the media. Amir Khan is the new bestie of Ranbir. Amir is the latest addition to the boys gang of Ranbir and Ayan. After Ranbir and Ayan visited Amir's place, the superstar seems to be parting with Ranbir and Ayan. Even when Zoom captured Ranbir and Ayan's night out, they were later joined by Amir Khan. Amir these days is mingling a lot with Ranbir's group. Virat made Anushka nervous. Virat, who recently visited Anushka's sets to surprise his special friend, did make her happy but disrupted her shoot. Anushka got so nervous as Virat was watching her act that Anushka ended up giving 30 retakes before the final shot was done. Finally, Anushka had to ask Virat to not be present on the sets while the shoot was on. एक था टाइगर की सुपर सक्सेस के बाद कबीर खान और सलमान खान एक बार फिर नजर आएंगे 2015 में। द फिल्म इज अनटाइटल्ड एंड रिसेंटली डायरेक्टर कबीर खान सेड दैट कैटरीना इज नॉट अ पार्ट ऑफ सलमान्स मूवी एज रूमर्स वर फ्लोटिंग अराउंड अबाउट सलमान एंड कैटरीना बीइंग पेयर्ड अगेन। प्रियंका चोपड़ा ने रिसेंटली अपने स्टाइलिस्ट को फायर किया। प्रियंका के इवेंट पर खींची गई पिक्चर्स पे काफी कंट्रोवर्सी हुई थी एज हर ट्रांसपेरेंट स्कर्ट सेट द टंग्स वैगिंग। और इस एपिसोड के बाद बली का बकरा बनी प्रियंका की स्टाइलिस्ट एंड पीसी फाइनली फायर्ड हर फ्रॉम द जॉब। Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर Bollywood की और भी latest news and gossip. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.